हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। रेशमा वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे सुबह, उसका आज पार्ट टू करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 38 निकालो सब लोग। हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशमा जो है वो 5 साल की रहती है, तब उसमें पोलियो हो जाता है, ठीक है। अब वो 11 वर्ष की हो गई है, ये आपको मैंने बताया था, ये सच घटना है, ठीक है ना। जब ये बुक लिखी थी तब वो 11 वर्ष की, ठीक है ना। और वो जो है व्हील चेयर पे बैठती है और सारा काम जो है वो जो कर सकती है वो अपना काम जो है वो खुद करती है, ठीक है। और परिवार के सदस्य भी जो है उसको मदद करते हैं उसके काम में, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि उसमें जो है वो दिवाली का त्यौहार आता है, तो दिवाली के समय जो है वो घर की साफ सफाई चलती है, ठीक है। तो घर के सभी लोग जो है साफ सफाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो अपनी माँ से बोलती है कि आप भी जो है मुझे कोई काम बताओ, ठीक है। तब वो जो है उनको बोलती है कि भाई तेरे तो क्या काम करेगी अभी, है ना। तो बोलती मेरे से जो होगा, मेरे से जो बनेगा वो मैं काम आपको काम में हेल्प करूंगी, ठीक है। तब वो जो है बोलती है तुम अपने जो है रोज के काम निपटा लो, उसके बाद फिर मैं तुमको कोई काम बताती हूँ। तब जो है वो मैं चली जाती है, ठीक है। अब उसके बाद 38 पेज पर देखो, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी और दादी जी, कितने सदस्य हैं? उसका एक छोटा भाई है और मम्मी पापा हैं और दादा दादी, सब लोग जो है साथ में रहते हैं और सब लोग उसको बहुत चाहते हैं। वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती है, वो व्हील चेयर पर बैठती है, ठीक है। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मुहावरा होता है जो मैंने यहाँ लिखा है। आंखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा, सबको प्रिय लग रहा, ठीक है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए। उन्होंने रेशमा का आवाज दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ, ठीक है ना। और वो मम्मी जो है वो किचन साफ कर रही थी, तो उन्होंने जो है रेशमा को बुलाया कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम आ जाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। अब उसने नाश्ते में क्या खाया था, क्वेश्चन का आंसर है आपको। तो उसमें आपको क्या खाया था, दूध का मेवे वाला दलिया, है ना। दलिया हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें जो है दूध डालना है और उसमें मेवे डालना है, ठीक है। तो वो उसने खाया था, तो बताती है कि आपने बहुत अच्छा बनाया था और वो मैंने खा लिया है, ठीक है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती थी, है ना। बैठी हुई थी, डिब्बे साफ हो गए थे, उसके ऊपर उन्होंने लेबल चिपकाया कि कौन सा सामान कौन से इसमें रखा है, बराबर। जैसे किस डिब्बे में चावल है, किस डिब्बे में मसाला है, तो सबके ऊपर नाम लिख लिख के वो जो है उसके ऊपर चिपका के और उनको दे दी गई। तो माँ ने जो है उनको किचन में सजा दिया, ठीक है ना। जैसे हम लोग किचन में सारे डिब्बे आपकी मम्मी लोग रखते हैं ना, वैसे ही रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। चमचमाने का मतलब क्या होता है, सब जगह सफाई हो गई तो ना, सब जगह जो है बहुत अच्छा दिखने लगा, ठीक है। पिताजी तब तक चले गए, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं, तो अब सामान लाए कौन, इसलिए वो जो है बोलती है कि सामान लेकर कौन आएगा, तो मुझे मिठाई तैयार करनी है, ठीक है ना। तो मिठाई तैयार करने के लिए सामान कौन लाके देगा, क्योंकि दादी और दादाजी तो जो है बहुत बुजुर्ग हैं, वो तो सामान लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। तो माँ बहुत परेशान हुई कि भाई मैं अब नाश्ता बनाना शुरू करूँ तो कैसे बनाऊँ, है ना। तो पापा भी चले जाते हैं उनके, तो रेशमा क्या कहती है अपनी माँ से कि सामान जो है मैं लेकर आऊंगी, तो अब आप मुझे सामान की लिस्ट दे दो और ये थैला दे दो, ठीक है। तो वो बोलती है कि तुम ले आओगी अकेली, है ना। माँ ने पूछा, हाँ माँ एक बार पहले भी तो लाई थी, पहले भी तो मैं आपको सामान मैंने लाकर दिया था आपको। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। देखो यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि आवाज जो है वो रेशमा की आवाज में दृढ़ता होती, मतलब दृढ़ता मतलब वो पूरी परफेक्ट होती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर आ गई, ठीक है। तो वो बता देती है कि तुम बिल्कुल ध्यान से जाना, है ना, और संभल के जाना। तो चली जाती है वो और फिर वहां पर जाके सारा सामान लेकर आती है। फिर वो गोलू के लिए जो है वो क्या लाती है, टॉफी लेकर आती है, क्योंकि गोलू उसका छोटा भाई है, ठीक है। तो गोलू को आवाज देती है, गोलू ये तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। फिर गोलू टॉफी पाकर उछलने लगता है खुशी से। फिर थोड़े दिन और हो जाते हैं, ठीक है ना, दिवाली का त्यौहार आने लगता है। और एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के प्रकाश से झिलमिलाने लगा। दिवाली आ गई, घर की साफ सफाई हो गई थी, सब नाश्ता भी बन जाता है, फिर सब जगह जो है वो
लाइटिंग करते हैं, है ना, फिर दिए लगाते हैं, पूरे मोहल्ले में जो है रोशनी रोशनी दिखाई देती है, जैसे हम लोग दिवाली पे करते हैं ना वैसे ही। क्या जमीन क्या आसमान, ऐसा दिखाया है ना सभी जगह, जैसे आसमान में तारे दिखाई देते हैं, बराबर है, क्योंकि चांद तो होता नहीं, अमावस्या को दिवाली आती है, ठीक है ना। और नीचे जो है वो लाइटिंग, सब जगह लाइटिंग की रोशनी जो है, बल्ब की रोशनी सब जगह दिखाई देने लगती है। दादी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है, ठीक है, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है, है ना। क्योंकि किस लिए हम लोग दिवाली मनाते हैं, क्योंकि राम भगवान जो है वो रावण को मारकर जो है अयोध्या वापस आए थे, ठीक है ना, वो श्रीलंका था रावण, है ना, तो उसको मार के जो है वो दशरथ के दिन मारते हैं उसको, और भी बाद में जब तक पूरे इंडिया में से, भारत में से जो है वो पुष्पक विमान में जो वहां से आते हैं, तब तक जो है दीपावली का त्योहार आ जाता है। तो पूरे अयोध्या के लोग जो है अयोध्या नगरी को जो है पूरी अच्छी तरह से सजाते हैं, ठीक है ना, तो इसी खुशी में जो है हम लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रावण के अंदर बुराई थी, है ना, तो बुराई पर अच्छाई की विजय होती है ना, दशहरा भी इसलिए होता है, ठीक है, और असत्य पर सत्य की विजय, ठीक है। इस दिन रावण को पराजित करके राम अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे, क्योंकि उनको तो पता नहीं था, तो दादी जो है उनको ये सब समझाती है। फिर क्या होता है, हम लोग पूजा करते हैं, है ना, तो वैसे ही वो लोग भी जो है थोड़ी देर बाद सब लोग मिलकर पूजा करते हैं और प्रसाद खाते हैं, ठीक है। फिर बच्चे जो है क्या करते हैं, आप लोग भी ऐसे करते हो ना, पूजा होती है उसके बाद हम लोग फटाके चलाते हैं, ठीक है, तो गोलू जो है वो उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ में फटाके चलाने लगता है, ठीक है ना, और घर के सब लोग भी बाहर आ जाते हैं, सब लोग मिलकर जो है फटाके चलाते हैं, ठीक है। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जलाने, क्योंकि रेशमा तो बैठी हुई थी, है ना, वो खड़ी नहीं हो सकती थी, तो दादा दादी भी बुजुर्ग थे, तो ये सब लोग साथ में बैठे रहते हैं, और गोलू जो है वो सामने दूर जाकर जो है फटाके बम फोड़ता है या जो भी दूसरे पटाखे चलाता है। तो दोनों हाथ में फुलझड़ियां लेके, फुलझड़ियां चला सकती थी रेशमा, तो दोनों हाथ में फुलझड़ियां लेती है, अपनी दादी को देती है, और फुलझड़ियां चलाकर जो है वो दीपावली मनाती है। इतने में क्या होता है, रेशमा क्या देखती है कि उसका भाई जो है थोड़ा दूर बैठा रहता है, और वहां पर जो मतलब बम चलाता है या अनाज चलाता है, जो भी चलाता होगा, तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ी देर चलाते और उसको छोड़ देता है, लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर देखने जाता है, वो बुझ जाता है, तो वो जो है वहां पर फूट जाता है, ठीक है। तो जिस पटाखे को गोलू जो है बुझा समझ कर छोड़ देता है, उसमें से चिंगारी निकलने लगती है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, उसका पीठ थी, तो उसको पता नहीं था कि ये फूट रहा है पटाखा, तो रेशमा जोर से दूर से देख के चिल्लाती है, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा फूट रहा है, ऐसे जोर से चिल्लाती है। तो फटाकों के शोर, आसपास सभी लोग फटाके चला रहे थे, तो शोर में जो है वो गोलू को आवाज सुनाई नहीं देती है। तो रेशमा क्या करती है, बाकी लोग को समझ पाते इसके पहले रेशमा जो है जल्दी जल्दी अपने हाथ से जो है वो व्हील चेयर के व्हील को चलाती हुई वहां से चली जाती है धकेलती हुई, और गोलू के पास से, गोलू के पास पहुंचती है और जोर से धक्का मार देती है गोलू को, ठीक है ना। फिर और खुद जो है वो तेज तेज जो है व्हील चेयर चलाते चलाते आगे चली जाती है। अपनी कुर्सी की गति के कारण वो आगे निकल जाती है, धड़ाम जोर का धमाका हुआ और वो जो है जो भी फटाका होता है वो जोर से फूटता है। रेशमा की फूर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया, है ना। गोलू को समझ में ना आया कि धक्का किसने दिया और क्यों दिया, वो समझ ही नहीं पाता है, गिर पड़ता है दूर, है ना। देखो यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है, गोलू गिर पड़ता है और रेशमा जो है धक्का जोर से लगाती है व्हील चेयर में, तो वो उसकी व्हील चेयर जो है रोक नहीं पाती और खूब आगे जाके वो भी गिर जाती है, ठीक है। गोलू को समझ में नहीं आया कि धक्का किसने मारा, है ना। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो अंदर होते हैं, ठीक है ना। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे नीचे दब जाती, क्योंकि पैर से वो खड़ी भी नहीं हो पाती है, ठीक है। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु कुर्सी है वो। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। कौन थपथपाई, पीठ थपथपाना मतलब होता है, हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पीठ थपथपाना मतलब होता है शाबाशी देना। क्यों शाबाशी देते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने उसने जो है अपने भाई की को जलने से बचाया, ठीक है। कोई भी अच्छा काम हम करते हैं तो हमको शाबाशी मिलती है ना। वैसे गोलू रेशमा के पास जाकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, है ना। मतलब उसको थोड़ा सा ये बोलता है, सब लोग जो है हंसने लगते हैं। फिर रेशमा, देखो शारीरिक कमजोरी उसकी होती है, लेकिन फिर भी जो है वो उसके इरादों में बीच में नहीं आती है,
कर देती है। उसने ये सोच लिया था कि मुझे अपने भाई की जान बचानी है तो अपने भाई की जान बचा लेती, अपनी परवाह नहीं करती, भाई मैं गिरूंगी और मैं दबूंगी तो मुझे लगेगा, ये सब नहीं सोचती है, क्योंकि उसके विचारों में दृढ़ता होती है कि भाई मुझे जो करना है वो करना है, ठीक है ना। लेकिन उसकी जो शारीरिक कमी है कि वो पोलियो ग्रस्त होती है, वो बीच में नहीं आने देती। वह आज भी अभी भी जो है वो इतनी ही जिंदा दिल है, ठीक है ना। जिंदा दिल मतलब होता है खुश मिजाज, है ना, और परिश्रम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, ठीक है ना। बड़े उसने पढ़ाई भी की होगी, ठीक है ना, तो इस तरह से वो अभी अपना जीवन जी रही है। ये आपको मैंने पहले बताया था, सच घटना है, ठीक है। अब उसकी जो देखो पाठ का नाम सुबह रखा था, मैंने पहले बताया था, सुबह मतलब रोज सुबह होती है, रोज सुबह होती है, फिर हम नए नए नई शुरुआत करते हैं रोज, ठीक है ना, और करना चाहिए हर एक दिन की जो है नई शुरुआत अच्छी तरह से। जैसे हम लोग पूजा करते हैं, ये करते हैं, तो सुबह का नई सुबह होती है, सुबह तो रोज होती है, ठीक है ना। लेकिन रेशमा की सुबह कैसी होती थी, वो जो है रोज कुछ ना कुछ नया काम करती थी, उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, ठीक है ना। हमारे इरादे होना चाहिए कि नहीं आज हमको ये करना है, आज ये करना है, तो हमारी वो सुबह जो है वो सच कहलाएगी, ठीक है ना। और अपने नए इरादे से हम लोग को अपने नए काम में जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रोज सुबह हुई और हम लोग बहुत देर देर से उठना है, फिर खाना खाना है, फिर खेलना है, फिर दूसरे दिन सुबह होना, उसको सुबह नहीं बोलते, ठीक है ना। रेशमा से जो है हम लोग कि वो जो है विकलांग होती है, फिर भी जो है उसके इरादे कितने ऊंचे होते हैं, मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है, ये हमको जो है इस पाठ से सीख मिलती है। विकलांग होने के बावजूद भी जो है देखो वो अपने माँ के लिए जो है वो दुकान से सामान लेने भी चली जाती है, व्हील चेयर लेकर, है ना। तो उसके उसके विचारों में दृढ़ता है, इसलिए चली जाती है ना, कि होती है ना कि मैं हाँ मैं लेके आऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से उसके जो है वो उसकी सुबह जो है हर सुबह जो है नई सुबह होती है, और वो अपने काम में नए इरादे से जुटती है। उसके इरादे भी जो है वो नए हैं, मतलब नया कुछ सोचती है कि आज मुझे कुछ नया करना है, ठीक है। हर रोज का काम तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कुछ नया करने का वो हमेशा सोचती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं सोचती कि भाई मैं लाचार हूँ, मेरे पैर खराब है तो मैं क्या करूँ, ऐसा सब उसके दिमाग में नहीं आता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का सोचती है, ठीक है। आगे चैप्टर समझ में, अब इसका पार्ट थ्री आपको आएगा, वो जो है ग्रामर आपको आएगी, तो चैप्टर जो है वो आपका ये होता है खत्म होता है यहाँ पे, और सब लोग जो है वर्कबुक में लिखना, ठीक है ना। अभी आपका एफ ए आने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ, एफ ए का टेस्ट जो आपका पहले होता था ना, वो एफ ए का टेस्ट आएगा, और वो आपको उस हिसाब से सब तैयारी करनी है, ठीक है। तो शुरू से वापस से रिवाइज करना सब लोग शुरू कर दो, नेक्स्ट वीक में आ सकता है, आया समझ में। इसलिए जो है कम से कम 1-4 चैप्टर तो आपके पूरे लर्न होना चाहिए, आ गया समझ में। तो वो जो है उस हिसाब से वर्कबुक कंप्लीट करके रखना, है ना, सीडब्ल्यू कंप्लीट करके रखना, जो भी आपको यहाँ से भेजा है मैंने, ओके, ठीक है।